बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, दैट मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन एंड प्लेन के अंदर मोशन पढ़ा हमने। आज हम वेक्टर का कुछ एप्लीकेशन है, ब्रॉड एप्लीकेशन है रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है पहले तो ये जाने। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम किसी भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं इन ग्राउंड फ्रेम। सपोज हम रेस्ट पर हैं और बॉडी मूव कर रही है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कि बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अगर हम किसी कार के अंदर मूव करें, किसी प्लेन के अंदर मूव करें, यानी कोई मूविंग फ्रेम के अंदर हम बैठ करके किसी दूसरे बॉडी के मोशन के बारे में ऑब्जर्व करें, तो उस टाइम उस बॉडी की मोशन उस फ्रेम के ऑब्जर्वर के रिलेटिव, उसकी रिलेटिव मोशन कही जाएगी। क्वेश्चन अब यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी उस बॉडी की कैसे हम फाइंड करेंगे। तो ऑब्जर्वर के रिलेटिव, आपको पता है कि ऑब्जर्वर के रिलेटिव बॉडी रिलेटिव मोशन में होती हैं, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन रिलेटिव सेपरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। मान लिया जाए एक बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसके पीछे दूसरी बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इस हालात में क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है मोशन की। इस हालात में क्या होगा कि पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी के रिस्पेक्ट में ज्यादा वेलोसिटी है इसकी। कितनी ज्यादा वेलोसिटी है, तो पीछे वाले की 20 किलोमीटर की स्पीड वेलोसिटी है और आगे वाले की 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। तो हम कह सकते हैं कि आगे वाले के रेस्पेक्ट में पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। उस हालात में क्या होगा, उन दोनों बॉडी के बीच की रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीज होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि उस मोमेंट पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव सेपरेशन दो बॉडी के बीच में डिक्रीज होना, दिस डिफाइन क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर यहीं पर उल्टा होता कि आगे वाली बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और पीछे वाली बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, उसको फॉलो कर रही है, इस हालात में हम कहेंगे कि पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी से 10 किलोमीटर पर आवर कम है। यानी पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को ओवरटेक नहीं कर सकती है। उस हालात में क्या होगा कि दोनों बॉडी के बीच रिलेटिव सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। देन हम ये कह सकते हैं इस मोमेंट पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी इन बॉडी के बीच में, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी दो तरह की मिल गई। रिलेटिव वेलोसिटी में पहली वेलोसिटी आ गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसमें जो बॉडी फॉलो करती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिसमें दूसरी बॉडी जो फॉलो कर रही है उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो रिलेटिव सेपरेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब हम देखें कि अगर एक बॉडी वी ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी वी बी वेलोसिटी से मूव कर रही है दूसरी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बॉडी की ए की अगर बी पर हम बैठकर सोचें, दैट मींस बॉडी बी के ऊपर एक ऑब्जर्वर को हम लगा दें, तो उस मोमेंट पर बी ऑब्जर्वर ये देखेगा बॉडी ए को कि किस वेलोसिटी से जा रही है, और उसी वेलोसिटी को हम कहेंगे बॉडी बी का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि बॉडी बी पर हमने ऑब्जर्वर फिट किया है तो ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव मिल गई। सिमिलरली अगर हम कहें कि बॉडी ए पर ऑब्जर्वर फिट कर दें, तो उस मोमेंट पर जो वेलोसिटी फाइंड की जाएगी बी की ए के रेस्पेक्ट में, हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इस पोजीशन में हमें थोड़ी सी जानने की जरूरत यह है कि जिस मूविंग ऑब्जेक्ट पर आप फ्रेम फिक्स करते हैं, उस पर ऑब्जर्वर आप बैठाते हैं, उसके फ्रेम में अगर आप देखते हैं दूसरे बॉडी के मोशन को, तो उस मोमेंट पर उसको हम रेस्ट में मानते हैं।
और जिस वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रही होती है उसकी नेगेटिव वेलोसिटी दूसरे बॉडी पर हम पुट कर देते हैं और तब उनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमें मिल जाता है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे बॉडी की। जैसे अब ये कैसे हम करेंगे इसको हम एक एग्जाम्पल के सहारे विजुलाइज करें। वैसे हमने देख लिया कि अगर हम कहें वी ए, अगर हम बोलें तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और ग्राउंड, बिकॉज हमने ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर फिक्स कर दिया है। वेलोसिटी इसी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम इस तरीके से इसको लिख भी सकते हैं। सिमिलरली अगर वेलोसिटी बी की लिखी जाए तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और ग्राउंड, इसको बोलेंगे वी बी ओ या वी बी जी। ये दोनों की सेपरेट वेलोसिटी है ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम में। अब अगर यहीं पर हम कहें कि किसी एक के रिलेटिव, दैट मींस अगर हम कहें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात आ गई, यानी हमारा फ्रेम किस जगह पर है तो बी पर है, और बी पर ऑब्जर्वर को हमने बैठा दिया और ए के बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वेलोसिटी को, तो उस हालात में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, या कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने देखी जबकि फ्रेम हमने कहां फिट किया है, बी के ऊपर। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर फाइंड करना चाहें, यानी कि अब हमारा ऑब्जर्वर कहां पर है तो ए पर बैठा हुआ है, हमारा फ्रेम ए पर है, हम बी के बारे में सोच रहे हैं, उस हालात में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब हम इसी को जनरलाइज करें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज एक एग्जाम्पल है, हमारे पास इस रोड पर मान लो कार, ये कार है और कार ये 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही है ग्राउंड के रिलेटिव। यहां पर एक ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है, दैट मींस यहां पर अगर हम कहें तो ऑब्जर्वर ये देख रहा है कि ये कार 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया, यहीं पर एक दूसरा ऑब्जर्वर हमने कार पर बैठा दिया, यहां पर हमने एक दूसरा ऑब्जर्वर बैठा दिया, ये ऑब्जर्वर बैठाते ही इस कार की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट में अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारी आदत है, आदत बन चुकी है कि हम जो भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे ही ऑब्जर्वर यहां आप बैठाएंगे इस कार के ऊपर, वैसे ही इसको हम रेस्ट में मान लेंगे और इस कार की वेलोसिटी जितनी थी उतनी नेगेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर को मिल जाएगी जो रेस्ट पर था इस टाइम। तो इस मोमेंट पर आपको यह फील होगा कि ये जो प्राइमरी ऑब्जर्वर है ये माइनस 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रहा। अब देखिए उल्टा हो गया, हमने क्या कहा कि मूविंग फ्रेम पर अगर ऑब्जर्वर आप डाल देते हैं तो उस मूविंग फ्रेम की जो वेलोसिटी है दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को नेगेटिव डायरेक्शन में दे देता है। अब यहीं पर था ये, रेस्ट पर था ये, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा था इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे ही यहां पर हमने एक ऑब्जर्वर फिट किया वैसे ही ये रेस्ट में आया तो इसकी वेलोसिटी मिल गई नेगेटिव डायरेक्शन में इसको। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एक और एग्जाम्पल हम देखें,
दो तीन एग्जांपल हम इसमें समझेंगे तब जाके ये क्लियर होगा। देखिए, हमने मान लिया कि बॉडी ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी ए। ये ऑब्जर्वर कौन ऑब्जर्व कर रहा है? जो ग्राउंड फ्रेम में है, ग्राउंड ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरी बॉडी बी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो वेलोसिटी वी बी है इस डायरेक्शन में, ये भी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ग्राउंड ऑब्जर्वर। यानी इन दोनों बॉडी की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिलेटिव एक इस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में है। हमें ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव निकालनी है या बी की वेलोसिटी ए के रिलेटिव निकालनी है, तब क्या करेंगे? उस हालात में अभी मैंने आपको बताया, अगर इस सिचुएशन को हम थोड़ा अलग करके सोचें, सपोज हमें ए की वेलोसिटी चाहिए बी के रिलेटिव, यानी हमें अपना ऑब्जर्वर कहां बैठाना होगा? बी पर बैठाना होगा। उस हालात में हमने क्या किया कि बी पर अपना ऑब्जर्वर बैठा दिया, इस जगह पर हमारा ऑब्जर्वर बैठ गया। जैसे ही ऑब्जर्वर हमारा बी पर बैठेगा, इस बॉडी को हम रेस्ट में मान लेंगे, इस मोमेंट पर ये रेस्ट में आ गई। अब ये ऑब्जर्वर इस बॉडी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगा, सवाल ये है। तो इनिशियली क्या था, अगर हम देखें अपना इनिशियल, तो बॉडी ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वेलोसिटी ए के साथ में। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिस फ्रेम के रिलेटिव मोशन को ऑब्जर्व करेंगे उसको हम रेस्ट में मानेंगे और उसकी नेगेटिव वेलोसिटी जिस बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे उसको मिल जाएगी। यानी अगर इसको रेस्ट में आप मानते हैं तो इसकी नेगेटिव वेलोसिटी बॉडी ए को मिल जाएगी। दैट मींस बॉडी ए के पास में एक नेगेटिव वेलोसिटी मिल गई इस डायरेक्शन में, दिस इज माइनस ऑफ वी बी। अब हम क्या करें, ये रेस्ट में आते ही इसके पास में दो वेलोसिटी मिल गई, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही वेलोसिटी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कही जाएगी। रिजल्टेंट निकालें कैसे? हमारे पास कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए इसके टेल को इसके हेड से हम ऐड करेंगे, दैट मींस उसी डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा क्या, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी नेगेटिव डायरेक्शन में, ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए। तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट के टेल और सेकेंड के हेड को जो लाइन मिट करेगी, इस लाइन को हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यानी अब क्या हुआ, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा है बॉडी ए इधर जा रही है, बॉडी बी इधर जा रही है। बी का ऑब्जर्वर देख रहा है कि अब बॉडी इधर नहीं जा रही है, अब ये बॉडी सीधी जा रही है। यानी इसको ये फील हो रहा है कि अब इधर नहीं जाके इधर जा रही है। उसी तरीके से अगर हम ए पर ऑब्जर्वर को फिट करें और बी की वेलोसिटी ऑब्जर्व करी जाए, तो उस हालात में क्या होगा कि ए पर अगर हम ऑब्जर्वर फिट करेंगे तो ए को रेस्ट में ले लेंगे। रेस्ट में लेते ही क्या हो जाएगा, बी पर एक नेगेटिव वेलोसिटी ए की मिल जाएगी इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन मिल गई वेलोसिटी। अब क्या होगा, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में। यानी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये कि अगर हम बी पर बैठकर ए को देख रहे हैं तो ए लग रहा है बी से दूर जा रहा, और ए पर बैठ के बी के बारे में सोच रहे हैं तो लग रहा है कि बी ए से दूर जा रहा है, और हकीकत में ग्राउंड ऑब्जर्वर भी देख रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी इस जगह पर सेपरेट हो रही है। यहां पर रिलेटिव सेपरेशन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। तो ये तो अभी हमने नॉर्मली बॉडी के मोशन में लगाया। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत जगह आपको यूज होंगे। कहां कहां यूज होंगे मैं बता रहा हूं आपको। पहला यूज होगा आपका रिवर मैन और रिवर बोट प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि अगर स्टिल वाटर के अंदर बोट सेल कर रही है तो जिस डायरेक्शन में सेलर उसको फिट कर दिया उसी डायरेक्शन में सेल करते हुए जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं है।
जैसे ही फ्लो मिलता है, अब वहां क्या होगा कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि फ्लो इस डायरेक्शन में है, बॉडी इस डायरेक्शन में सेल हो रही है, दैट मींस बोट इस डायरेक्शन में सेल हो रही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में वो बोट जाएगी. दिस इज रिवर बोट और रिवर मैन प्रॉब्लम. सेकेंड आता है रेन मैन प्रॉब्लम. आपने देखा होगा कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और अपने अम्ब्रेला को ठीक ऐसे लिए हुए, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला सीधा लगे खड़ा हुआ. जैसे ही वो मूव करना शुरू कर देता है, उस हालात में क्या होगा कि अम्ब्रेला को बेंड करना पड़ता है आगे पीछे, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा कि रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी रिलेटिवली अब उसको फील होगी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ये हो गया, पहला हो गया आपका रिवर मैन, रिवर बोट. दूसरा हो गया रेन मैन. तीसरा हो गया नॉर्मल काइनेमेटिक्स का हमारा रिलेटिव वेलोसिटी. नॉर्मल काइनेमेटिक्स का रिलेटिव वेलोसिटी मतलब हो गया, जैसे काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम उसको इस जगह पढ़ेंगे एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर. मतलब अब पूरी इक्वेशन रिलेटिव में चलेगी. सेम उसी तरीके से वी रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी, ठीक उसी तरीके से वी रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस टू ए रिलेटिव इंटू एस. तो पहला मैंने बताया आपको रिवर बोट और रिवर मैन, दूसरा बताया मैंने आपको क्या रेन मैन, तीसरा बताया नॉर्मल काइनेमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और चौथा होता है विंड एंड प्लेन की रिलेटिव. आपने देखा होगा कि जब प्लेन टेक ऑफ होती है उस मोमेंट पर उसकी डायरेक्शन फिक्स, अगर विंड उस टाइम ब्लो कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में जाना होगा उससे पहले वो अपने आप को पुट करेगा, क्योंकि अगर हमें यहां पहुंचना है और यहां से प्लेन टेक ऑफ हो रही है, अगर इस डायरेक्शन में जाएगी प्लेन तो क्या होगा कि विंड इसको इधर शिफ्ट कर देगी. तो इसे क्या करना पड़ेगा कि प्लेन को इधर हेड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एंगल पर, ताकि वो उसको विंड शिफ्ट कराकर यहां ला दे. तो ये सारी सिचुएशंस आएंगी, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, अलग अलग तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया कि जिस बॉडी का मोशन ऑब्जर्व किया जाएगा जिस फ्रेम में, उस फ्रेम को हम रेस्ट पर लेंगे और उसकी वेलोसिटी दूसरे बॉडी को मिल जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तब उस मोमेंट पर उस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी कही जाएगी दूसरे फ्रेम के ऑब्जर्वर के रिलेटिव. अब हम देखें इस पर थोड़ा सा एक और एग्जांपल के बारे में, और फिर उसके बाद हम देखें कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें देखना है. अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. अब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाए, क्वेश्चन ये है. हमने तो वेक्टर फॉर्म में देख लिया. मान लो कि इधर वेलोसिटी ए है इस डायरेक्शन में, एंड इस डायरेक्शन में वी की वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी. हमने क्या कहा था कि अगर बी की वेलोसिटी ए पर हमने ऑब्जर्व किया जाए ए के रिलेटिव, तो उस हालात में क्या करेंगे कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी बी, और तब ये जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हमने क्या किया है कि बी पर अपना फ्रेम फिट किया है हमने, तो क्या होगा बी के रिलेटिव ए के पास एक जो वेलोसिटी मिलेगी, बी की नेगेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में. अभी मैंने ही बताया आपको कि हम अगर बी पर हम खड़े होकर देखें तो ए के पास में एक वेलोसिटी तो थी, दूसरी वेलोसिटी एक और मिल जाएगी माइनस ऑफ वी बी,
और तब इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आ रही है। अब देखिए, हमने मान लिया कि दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ए के साथ में अल्फा एंगल पर है, तो हमारे पास रिजल्ट है कि अगर वेक्टर आर इक्वल टू ए माइनस बी होता है तो आर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली ये वी ए बी जो है वी ए माइनस वी बी है, इसको हम लिख सकते हैं वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी, ये हम लिख सकते हैं। अब इस जगह पर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हमें अल्फा फाइंड करना है तो उस हालात में लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। देयरफोर अल्फा कितना हो जाएगा, तो टेन इनवर्स वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि डायरेक्शन किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो यहां लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी ए, वी ए के साथ में अल्फा एंगल पर डायरेक्शन है उसकी। अब अगर यहीं पर एक कंडीशन ले लें कि दोनों वेलोसिटी बॉडी की सेम है, अगर हम केस ले लें कि इफ वी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वी बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वी, यानी दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उस जगह पर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम नहीं बोलेंगे, वहां पर चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे, उनका जो रिलेटिव होगा वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अब इस मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, अब इस ऑपरेटर के अंदर डाल दीजिए ये कंडीशन, तो ये हो जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर माइनस टू वी ए स्क्वायर कॉस थीटा। दिस इज द कंडीशन, क्योंकि वी ए इक्वल टू वी वी इक्वल टू वी है, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इस मोमेंट पर 2v स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, और तब ये हो गया हमारा 2v स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो 2v साइन थीटा बाई 2, यानी कि जब दो बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और तब फॉर्मूला निकल के आता है 2v साइन थीटा बाई 2। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, जनरल फॉर्मूला के डायरेक्शन हमारे पास में है, ये हो गया सिर्फ एक कंडीशन जिस कंडीशन में दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। अब क्वेश्चन यहां पर आपको एक लग रहा होगा कि टाइम ऑफ कन्वर्जेंस है क्या, कुछ नहीं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया स्पीड ऑफ अप्रोच के बारे में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में मैंने बताया कि दो बॉडी की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तभी कही जाएगी जब उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन कम हो रहा हो। इसका मतलब कि एक टाइम के बाद दोनों बॉडी मीट कर जाएंगे, उसी टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ कन्वर्जेंस या टाइम टू मीट द बोथ बॉडीज। अब एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। ये जनरल क्वेश्चन ये कहता है कि एक रेगुलर पॉलीगन है
और उस रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर्स पर एन बॉडीज रखी हुई हैं और उस रेगुलर पॉलीगन की साइड लेंथ एल दी हुई है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन है इसका मतलब सारे साइड लेंथ इक्वल होंगे। ईच बॉडी हेड टू द अदर बॉडी विद वेलोसिटी वी, एक बॉडी दूसरे को हेड करेगी, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, चौथे पांचवे को, उस तरीके से एन माइनस वनवा बॉडी एनवा बॉडी को हिट करेगा, टारगेट करेगा और उस डायरेक्शन में अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा। तो हमें यह बताना है कि जब सारे बॉडी एक दूसरे की तरफ हेड करके मूव करना शुरू करते हैं विद द वेलोसिटी वी, तो हाउ लॉन्ग टाइम विल टेक बाय दिस बॉडी टू मीट एट अ पॉइंट, और हाउ लॉन्ग टाइम विल टेक बाय दिस बॉडी टू कन्वर्ज ईच अदर। सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना है, अगर हमें दो बॉडी का स्पीड ऑफ अप्रोच मिल जाता है, दोनों बॉडी के बीच सेपरेशन पता है, रेगुलर पॉलीगन पर है तो किसी भी दो बॉडी के बीच में स्पीड ऑफ अप्रोच सेम होगा, किसी भी दो बॉडी की सेपरेशन सेम होगी, तो उस हालात में हम क्या करेंगे, हमारे पास में टी इक्वल टू होता है एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं इस जगह पर। तो एस रिलेटिव क्या हो गया, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस, वी रिलेटिव क्या हो गया, स्पीड ऑफ अप्रोच। तो मेन टारगेट है स्पीड ऑफ अप्रोच निकालना, कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहां क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी यहां पर है, दूसरी बॉडी यहां है, तीसरी बॉडी यहां होगी, चौथी बॉडी यहां होगी, पांचवी यहां कहीं होगी, इस तरीके से यह हमारा रेगुलर पॉलीगन बन जाता है, वन टू थ्री फोर फाइव, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अब देखिए इन सब को एक दूसरे की तरफ हेड करना है, इस मोमेंट पर अगर इनके बीच का सेपरेशन एल है, इसको इसके तरफ हेड करके इसको इसकी तरफ हेड करना है, इसको इसकी तरफ हेड करना है, इसको इसकी तरफ हेड करना है विद द वेलोसिटी वी, ऑलवेज एक दूसरे की तरफ हेड करना है। अगर इसी पाथ पर, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बॉडी इसी पाथ पर मूव कर रही कंटिन्यूस, तो कहीं मीट ही नहीं करेंगे बॉडी। मेरा क्वेश्चन है कि एक दूसरे को कंटिन्यूस हेड किए हुए हैं और इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन कम भी होना चाहिए, तो एक ऐसा पाथ सारे मिलकर बनाएंगे कि किसी भी मोमेंट पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सारे बॉडी एक दूसरे की तरफ हेड किए हुए मिलेंगे और मिलेंगे एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पॉलीगनी। तो पाथ कैसा होगा, इस बॉडी का पाथ कुछ इस तरीके का होगा, इसका पाथ कुछ इस तरीके का होगा, इसका कुछ इस तरीके का होगा, इसका इस तरीके, मतलब इस तरीके के पाथ पर ये सारे के सारे मीट करेंगे सेंटर पर। किसी मोमेंट ऑफ टाइम टी के बाद अगर सारे पार्टिकल को आप प्लॉट करें सबकी लोकेशन और आप इन लोकेशन को मिलाएंगे, तो इस मोमेंट पर भी आपको ये देखेगा कि ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, इसके आगे वाला ऐसे हेड किए हुए है, ये इसको ऐसे हेड किए हुए, मतलब अगेन फिर रेगुलर पॉलीगन पर ये आपको मिलेंगे। फिर वही चीज किसी और टाइम टी डैश के बाद अगर आप देखें इनकी लोकेशन तो भी आपको यही दिखेगी, रेगुलर पॉलीगन अगेन एक दूसरे की तरफ हेड करते हुए जा रही है। तो आफ्टर टाइम टी, मान लेते हैं टी टाइम के बाद ये यहां पर मिल रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, हमें बताना है वो टाइम कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा दो बॉडी पर हम कंसंट्रेट करेंगे और दो बॉडी का स्पीड ऑफ अप्रोच निकालेंगे। बॉडी नंबर वन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दूसरा बॉडी इस जगह पर है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये भी वी है और ये भी हमारा वी है, इनके बीच का सेपरेशन पता है हमें। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो ये एंगल चाहिए होगा, एंगल कितना होगा, उसके लिए देखें
जब सेंटर है रेगुलर पॉलीगन का, अगर इसको हम मीट कराएं, यहां से ये मीट कराएं, तो ये सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे। दैट मींस ईच ट्रायंगल फॉर्म्स अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर इस एंगल को अल्फा मान लिया जाए तो ये एंगल हो जाएगा 2π/n, क्योंकि n साइड मिलकर के 2π एंगल बनाता है, तो एक साइड का एंगल कितना हो गया 2π/n। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा हमारा कितना 2π/n, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अब देखिए 2α + 2π/n = π और 2α + θ = π, इसका मतलब कि थीटा कितना हो गया 2π/n। अब हमारा काम आसान, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितना लिखेंगे इस जगह पर, स्पीड ऑफ अप्रोच दैट मींस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा v, पहले बॉडी की वेलोसिटी। अगर ये ज्यादा हो गए इसके इधर वाले कंपोनेंट से, तभी तो ये सेपरेशन कम होते जा रहा, तो हमें क्या करना है, इसमें से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को माइनस कर देना है, क्योंकि स्पीड ऑफ अप्रोच निकाल रहे हैं। तो v माइनस v cos 2π/n, और ये हो जाएगा v कॉमन लेंगे तो 1 cos 2π/n, और आइडेंटिटी आपको पता है 1 cos θ होता है 2 sin²θ/2, दिस इज इक्वल टू 2 sin²π/n, ये हो गया 2v sin²π/n, दिस इज n कैपिटल। स्पीड ऑफ अप्रोच मिल गया, इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच का आपको गिवेन है l, ये पता है, तो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा इनिशियल सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, कितना हो गया, तो l डिवाइडेड बाय 2v sin²π/n, दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला टू फाइंड हाउ बॉडी कन्वर्ज एंड एट आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो इसके लिए n की वैल्यू दी हुई है, और n स्टार्ट कहां से होगा, 3 से, क्योंकि 2 में तो आपका क्लोज्ड कुछ बन नहीं पाएगा फिगर। 3 मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 मतलब स्क्वायर, 5 मतलब रेगुलर पेंटागन, 6 मतलब हेक्सागन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर बॉडी रखी हुई है और एक दूसरे की तरफ स्टार्ट हो रही है वेलोसिटी से, कितनी देर बाद ये मिल जाएंगी। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, उनके बीच का सेपरेशन पता होगा, एन की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसको आप हर जगह यूज